हरे कृष्णा। टुडे वी विल रिवाइज लेसन नंबर 14, गार्बेज मैनेजमेंट। व्हाट इज गार्बेज? व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज? हाउ डज द सेग्रेशन फ्रॉम गार्बेज हेल्प अस? हाउ कैन वी हैव अ गुड गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम? व्हाट शुड वी डू एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन? गार्बेज क्या होता है? अब बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज क्या है? इन दोनों को किस तरह हम अलग अलग कर सकते हैं और इनको अलग करना किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है? एज अ गुड सिटीज़न, एक अच्छे नागरिक के होने के नाते हमें अपने आसपास को किस तरह से क्लीन रखना चाहिए और गार्बेज के मैनेजमेंट सिस्टम का क्या एक अच्छा तरीका है, ये सब टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। Do you have a dustbin in your house? What are the thing you put in? क्या आपके घर में dustbin है? आप उसमें क्या चीज़ें डालते हो? We throw all the things that are not of any use to us. All such things are known as waste or garbage. Things like vegetables, peels, empty polythene bag, paper bag, used paper napkin, empty matchbox, cane, bottles, chocolate, wrapper, pencil, shaving, etc. are waste. हमारे घर की वो चीज़ें जो हमारे किसी काम में नहीं आ रही, वो वेस्टेज या गार्बेज होती हैं। अब जैसे सब्जियों के छिलके, खाली पॉलीथीन बैग, पेपर नैपकिन, खाली माचिस के डब्बे, केन बॉटल, चॉकलेट के रैपर, पेंसिल का हम शार्प करते हैं तो वो कचरा, ये सब वेस्ट जो होता है ये गार्बेज कहलाता है। ऑल द थिंग इन द गार्बेज इज नॉट आर सेम नेचर। डस्टबिन में हम जो सभी तरह का गार्बेज डालते हैं, वो सभी तरह का गार्बेज या वेस्ट एक जैसे नेचर का नहीं होता। द कंटेन ऑफ फर्स्ट बॉटल, वेजिटेबल पील, फ्रूट पील, ब्रेड क्रम्ब एक्सेट्रा स्टार्ट रॉटिंग इन अ फ्यू डे। अ फॉल्स स्मेल कम आउट ऑफ द रॉटिंग थिंग। दिस थिंग दैट रॉट इजीली आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेट वेस्ट। It rots and change into compost manure. This compost manure is a good for the plant. जो सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, ब्रेड क्रम और जो भी खाना होता है ना, जो वेस्ट होता है, ये क्या होता है, बहुत जल्दी बहुत कम दिनों में सड़ने लगता है। और इसमें क्या होता है, बहुत जल्दी ये जब नष्ट हो जाता है तो इसमें से बदबू आने लगती है ना। यही वाले जो वेट गार्बेज होता है, इसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या वेट वेस्ट कहा जाता है। और इसके द्वारा ये जल्दी सड़ के क्या हो जाता है, कंपोस्ट मतलब खाद के रूप में बन जाता है। और ये खाद जो है पौधों के लिए बहुत अच्छी रहती है। द कंटेंट ऑफ द अदर बॉटल, बिस्किट रैपर, ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा डू नॉट रॉट। दिस थिंग दैट डू नॉट रॉट और टेक केयर टू रॉट आर टेक ईयर्स टू रॉट आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दिस वेस्ट एड टू द बर्डन ऑफ गार्बेज एंड मेक अवर इन्वायरमेंट डर्टी एंड अनहेल्दी। बिस्किट्स के रेपर, प्लास्टिक, ग्लास, ये जो होती हैं चीज़ें सड़ती नहीं है और इनको सड़ने में भी बहुत लंबा समय, बहुत साल लग जाते हैं। तो ये जो सूखी चीज़ें होती हैं जो सड़ती नहीं है, इनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है, बर्डन, कचरे का बर्डन बहुत बढ़ जाता है या हमारे वातावरण को दूषित कर दिया और ये अनहेल्दी भी होता है। लुक एट द पिक्चर, द गार्बेज फ्रॉम द नियर बाय हाउस हैज़ बीन डम्प्ड हियर। Stray animal like dog, pigs and cow come here in search of something to eat. Throwing garbage in the open attract flies and other insects. They spread disease in human being and other animals. देखो इस पिक्चर में क्या ये है डस्टबिन बड़ा सा, फिर भी लोग बागों ने कचरा सड़कों पर फेंका है। अब क्या होता है, जो सड़क पे फिरने वाले आवारा पशु रहते हैं, जानवर रहते हैं, वो भोजन की तलाश में इनके पास आते हैं, इसमें भोजन ढूंढते हैं। और इसके कारण ये कभी पॉलीथीन, प्लास्टिक ये इनके मुंह में जाता है तो इसके कारण इनकी मृत्यु भी हो जाती है और इनके लिए भी वो हार्मफुल रहता है। इसके साथ साथ ये जो खुले में इस तरह से कचरा फैला हुआ है, फेंका है लोगों ने, इस पर क्या होता है, मच्छर और मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, उससे हमारा वातावरण प्रदूषित होता है और साथ ही बीमारियाँ भी फैलती हैं। गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम, एवरी कॉलोनी, स्कूल और ऑफिस should have its own garbage system. The important step for garbage management can be giving
strict instruction to all people not to throw garbage in the open, segregation of garbage. Wet means biodegradable and dry non-biodegradable garbage should be separate put in different bin. Green bin is for biodegradable garbage and blue bin is for biodegradable garbage. हमें हमारी सोसाइटी जहाँ हम रह रहे हैं, स्कूल या जहाँ भी जो भी कॉलोनी है, लोगों को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि गीले कचरे के लिए एक अलग डस्टबिन होना चाहिए, सूखे कचरे के लिए अलग बिन होना चाहिए और वेट गार्बेज बिन के लिए ग्रीन कलर, मतलब गीले कचरे के लिए ग्रीन कलर का बिन और सूखे मतलब ड्राई गार्बेज के लिए ब्लू कलर का बिन होना चाहिए. दिस गार्बेज ऑफ ग्रीन बिन कैन बी कलेक्टेड by garbage collecting trucks and sent to the landfill. Some colony and school have their own compost pit. They are shallow hole dug into the ground where all the wet garbage is dumped. When one pit get filled up, it is covered with soil and garbage is dumped in the second pit. The wet waste is decomposed into compost manure by small microbes. This manure is used for plant growing in the lawn. For dry garbage, the 3 R of garbage management should be followed. These are reduce, reuse and recycle. क्या होता है, बड़ी बड़ी कॉलोनीज में या स्कूल में गड्ढे खोदे जाते हैं जिसमें कि क्या होता है, वेट गार्बेज को डाला जाता है. जब ये बिन में इकट्ठा हो जाता है गीला कचरा, तो क्या करती हैं, बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं और उनको इकट्ठा करके ले जाते हैं. अब ये ना स्कूल कॉलोनीज में या बड़े बड़े स्कूल्स में क्या करा जाता है, इस तरह के गड्ढे खोदे जाते हैं और उसमें वेट गार्बेज को उड़ेला जाता है. जब एक गड्ढा भर जाता है तो दूसरे करके दूसरे में इसको उड़ेल दिया जाता है और फिर इसको भरने के बाद इसे ऊपर से मिट्टी से कवर कर दिया जाता है ना. और धीरे धीरे ये जो वेट वेस्ट, जब ये रॉटन होने लगता है, सड़ने लगता है, तो वो डीकम्पोज हो जाता है, खाद में बन जाता है स्मॉल माइक्रोब्स के द्वारा. और ये जो खाद बनती है वो हमारे प्लांट की ग्रो करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है. अब गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम को के लिए 3 R यूज होते हैं. इसमें रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकल होता है. हाउ कैन वी रिड्यूस वेस्ट, थिंक बिफोर यू बाय. इफ यू आर श्योर दैट यू नीड इट, ओनली देन यू बाय. यूज ऑल ऑफ व्हाट यू बाय, डू नॉट वेस्ट एनीथिंग. अवॉइड बाइंग थिंग्स दैट आर excessive packaging. Buy in bulk as it reduces the packaging material. Buy things that are durable, last longer and do not have to buy a new thing again and again. हम जब कुछ चीज़ें खरीदने के लिए जाएं तो हमें देखना चाहिए क्या उन चीज़ों की हमें ज़रूरत है. अगर ज़रूरत है तो ही हम उन्हें खरीदें. दूसरी बात, अगर हम उन्हें खरीद रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए क्या वो ड्यूरेबल है, जिससे वो लॉन्ग समय तक चले, उन्हें हमें बार बार खरीदना ना पड़े. जब वो लॉन्ग टाइम तक चलेंगी तो बार बार हमारा जो पैकेजिंग का जो वेस्ट है वो नहीं होगा. थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें ऐसी चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा पैकिंग की हो. और एक और चीज़ की बल्क में चीज़ें खरीदनी चाहिए जिससे एक ही बार की पैकिंग में बहुत सारा सामान थोक में हम इकट्ठा ले सकें. हाउ कैन यू रीयूज थिंग व्हेन थिंग ब्रेक, ट्राई टू फिक्स देम. थ्रो देम ओनली व्हेन यू आर श्योर दैट दे आर नॉट रिपेयरेबल. वॉश एंड रीयूज प्लास्टिक बॉटल, कप, यूटेंसिल एंड बैग्स. बाय थिंग दैट हैव बीन मेड फॉर रीसाइकल मटेरियल. ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर क्लॉथ बैग. When you go for shopping, do not take polythene bag from the shopkeeper. Your cloth bag can be used again and again. इस तरह से आप चीज़ों को reuse कर सकते हैं. अगर कोई चीज़ टूट गई है तो पहले उसे हम repair करके देखें, fix करके देखें. अगर वो चीज़ repair हो सकती है तो हमें उसी को repair करके use करना चाहिए, ना कि दूसरी खरीदनी चाहिए. प्लास्टिक की बॉटल्स, कप को हम धो के बर्तनों को पुनः यूज़ कर सकते हैं. अगर हम बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए जाएं तो दुकानदार से पॉलीथीन बैग न लें, बल्कि अपने घर से कपड़े का थैला लेके जाएं और कपड़े का थैला बार बार धोकर उसको बार बार यूज़ किया जा सकता है. हाउ कैन यू रिसाइकल थिंग, देयर आर मैनी थिंग दैट कैन बी रिसाइकल, लाइक न्यूज़ पेपर, प्लास्टिक कैन बॉटल, टॉय, टिन्स, कैंस दैट आर मेड ऑफ ग्लास एक्सेट्रा. यू कैन कलेक्ट देम एंड सेल देम ऑफ टू अ कबाड़ी वाला एज इन रेगुलर इंटरवल.
यू विल गेट मनी फ्रॉम द वेस्ट यू आर गिविंग फॉर रिसाइकलिंग। हमारे घर में इस तरह के बहुत सारा जो कचरा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, इन सबको हमारे घर के आसपास हमने देखा है कबाड़ी वाला निकलता है, उसे हमें दे देना चाहिए। वो इसको ले जाके इससे हमें क्या होगा, पैसे भी मिलेंगे और उसके पास जो सामान इकट्ठा होगा वो उसको जाके वहाँ कहाँ पे दे सकता है, जहाँ पे ये चीज़ें रिसाइकल होती हैं। न्यूज़पेपर आर यूज टू मेक पेपर बैग एनवलप एक्सेट्रा। पेपर पल्प इज़ यूज टू मेक पेपर मैशी आर्टिकल। पल्प कैन बी प्रेस्ड टू मेक न्यू पेपर ऑल्सो। सो वॉट एवर ड्राई गार्बेज वी हैव वी शुड पुट इन अ ब्लू बिन, दिस गार्बेज विल गो फॉर राइज रिसाइकलिंग। इस तरह हमने देखा कि जो सूखा कचरा है वो हमें ब्लू बिन में डालना चाहिए, जिससे उसका रिसाइकलिंग में पुनः यूज हो सके। नाउ सी द वोकैबुलरी। डीकम्पोज मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ वेट गार्बेज इंटू अ कम्पोज बाय माइक्रोब। माइक्रोब वेरी स्मॉल लिविंग थिंग दैट आर नॉट visible to our eyes that can only be seen through a microscope. Instruction means direction. Select the correct option. The wet waste is decomposed in the manure by small microbes. Non-biodegradable garbage does not decompose easily. All wet garbage is dumped into landfill. Things like newspaper can be recycled. Take the following waste to the right garbage bin. वेट गार्बेज बिन में क्या आएगा, लेफ्ट ओवर फूड एंड वेजिटेबल पील्स एंड रेस्ट ऑल द थिंग विल बी एडेड इन ड्राई गार्बेज बिन, जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर, एम्प्टी ग्लास बॉटल, पॉलिथीन बैग, ब्रोकन आयरन हैंडल, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज। नाउ स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर अगेन। थैंक यू। हरे कृष्णा।